आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर जबेरा दमोह मध्य प्रदेश से। पंडित अमित तिवारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के साथ। जबेरा थाना अंतर्गत दमोह जबलपुर मार्ग पर पुलिस ने रात्रि करीब 2 बजे पुरेन्हा के पास बुधवार को गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। हालांकि मौका पाकर तस्कर भागने में कामयाब हो गए। ट्रक में 67 मवेशियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। इनमें से 2 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं 65 मवेशियों को मुंडेरी गौशाला में शिफ्ट किया गया है। थाना प्रभारी इंदिरा सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दमोह की ओर से मवेशियों से भरा ट्रक आ रहा था। जबेरा बाईपास के पास की पुलिस टीम ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका। ट्रक का पीछा करने पर पुरेन्हा के पास तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले। ट्रक में 67 मवेशी थे। इनमें से 2 मवेशियों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रधान आरक्षक संतोष खरे, सुरेंद्र सिंह दीवान, दिलीप वघेल, भगवत पटेल, पीडी दुबे, रूपलाल रजक, एनआरएस सदस्य राजा तिवारी शामिल रहे। रात को मुखबिर की सूचना पर से जबलपुर बाईपास के पास पुरनिया पेट्रोल पंप के सामने एक कंटेनर यूपी 21BN8386 को रोका, जिसमें अवैध रूप से करीब 67 छोटे बड़े नटवा उसमें भरे हुए थे, जिनको सुरक्षार्थ यहाँ गौशाला मुड़ेने की गौशाला है वहाँ लाया गया और गौवंश वध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।